हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो हम लोग बाल विकास और शिक्षण शास्त्र साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं बालक का विकास। बालक के विकास के अंदर हमने लास्ट वीडियो किया था बालक का शारीरिक विकास, जिसमें हमने देखा था कि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक का जो लंबाई है, वेट है, कितनी मांसपेशियां आ जाती हैं, किस किस चीज की बनी होती हैं, ये सभी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम करने वाले हैं बालक का संज्ञानात्मक विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की थ्योरी। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जहाँ जीन पियाजे की थ्योरी से कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए जीन पियाजे की थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आपके सीटेट में हर साल दो क्वेश्चन जो है वह जीन पियाजे से आते हैं। रीट में ही आपने अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो वो देखिएगा, वहाँ भी जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। संज्ञान का अर्थ अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ इसका अर्थ होता है आपकी नॉलेज, आपका सोचना, स्मृति, और कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन करना, ये सभी कुछ हम संज्ञान से करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या अर्थ है। जानने की प्रक्रिया, ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त इसमें ज्ञान, चिंतन, स्मृति, अवधान, समस्या समाधान, संश्लेषण, विश्लेषण, बुद्धि और संज्ञान, ये सभी हम पढ़ते हैं संज्ञान के अंदर। जैसे शारीरिक विकास के अंदर हम बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, उसी तरीके से संज्ञान के अंदर हम ज्ञान, चिंतन, स्मृति, संश्लेषण, विश्लेषण, बुद्धि, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में 1890 ईस्वी में हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीन पियाजे जो है वो कहाँ के निवासी थे, तो आंसर इज स्विट्जरलैंड। उसके बाद देखिए लिंग्विस्टिक कॉग्निटिविस्ट, जीन पियाजे जो हैं उन्होंने भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, इसीलिए उन्हें लिंग्विस्टिक भी कहा गया। उन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो अपने जो भी ज्ञान है उसका निर्माण खुद करता है, उन्हें कॉग्निटिविस्ट कहा गया। और उन्होंने बताया कि बच्चा जो हर चीज़ को जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो खुद ही करता है, उसको कोई नहीं सिखाता है, बल्कि जैसे ही वह वातावरण में एंट्री करता है तो वह अपने ज्ञान को लेकर ही आता है। तो इसीलिए उन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा गया। अब देखिए, पिछले वीडियोस में जब मैंने आपको मनोविज्ञान के जनक बताया था तो वहां पर बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे बताया था, ठीक है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के जनक जो है वो जीन पियाजे भी कहे जाते हैं। इसके अलावा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे कहे जाते हैं, ठीक है। दोनों एक ही बात है, विकासात्मक विकास की बात करते हैं क्योंकि ये, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे, तो इसे आप नोट कर लेंगे। जीन पियाजे ने ज्ञान मीमांसा के द्वारा हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट दी। ये क्वेश्चन आपका केवीएस में पूछा गया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, कि जीन पियाजे ने किसके द्वारा हेरिडिटी को, वंशानुक्रम को महत्ता दी, इम्पोर्टेंट दी, तो उसका आंसर था ज्ञान मीमांसा के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर जो नोट्स हैं आपके एनसीईआरटी और आरबीएसई से तैयार किए गए हैं, तो हर एक पॉइंट जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित होता है। अब हम कई बार पढ़ते हैं ईगो सेंट्रिक, तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बच्चा जो क्या है, अहम केंद्रित है, वो खुद में ही खोया रहता है जो कि उसके किसी काम का नहीं होता है। एक बच्चा वातावरण में ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये कहते हैं जीन पियाजे। बालक के पास विचार पहले से ही मौजूद होते हैं, भाषा का विकास उसके बाद होता है। अब इसका अर्थ यह है कि बालक जो है वो विचारों को लेकर ही पैदा हुआ है, विचार जो है, थॉट जो है, वो उसके पास पहले से ही है, लेकिन जैसे वातावरण में आया उसके बाद उसके भाषा, उसकी लैंग्वेज का विकास हुआ, ठीक है। अब यहाँ याद रखना है, थॉट पहले आई है, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है भाषा का, अर्थात बालक मातृभाषा के साथ पैदा होता है और अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। वातावरण में जैसे वो एडजस्टमेंट करता है तब वह भाषा को सीखता है, ठीक है। तो थॉट पहले है, भाषा बाद में है, इस शब्द को याद रखना है। पियाजे कहते हैं बच्चों की सोच वयस्कों से क्वालिटी में अलग होती है, किंतु क्वांटिटी या अमाउंट में समान होती है। अब इसका अर्थ यह है कि बच्चे जो हैं वो सोचते जरूर हैं अलग,
वयस्कों से, बड़ों से, लेकिन जो मात्रा होती है सोचने की वो बड़ों में और बच्चों में समान ही होती है। इसका अर्थ यह है कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणों में अलग होती है, क्वालिटी में अलग होती है, लेकिन जो मात्रा होती है वो समान होती है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा इकोसेंट्रिक होता है, हमने ये देखा, जो किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसी पर जिन्होंने समाज की बात की, जिन्होंने समाज को इम्पोर्टेंट दी, वायगोस्की, वो कहते हैं कि यह इगोसेंट्रिक नहीं है, बल्कि यह साइलेंट इनर स्पीच है। क्योंकि बच्चा जो है, अगर वो ऐसा कर रहा है, जब आपने आपने भी देखा होगा कई बच्चे खुद ही बड़बड़ाते हैं, तो यह काम का होता है। वायगोस्की कहते हैं कि वह बोल बोलकर स्वयं को दिशा दे रहा है। इसे पियाजे ने इसी शब्द को इकोसेंट्रिक कहा, अहम केंद्रित कहा, और कहा यह किसी काम का नहीं होता है, याद रखना है। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आए फिर भाषा आई, वहीं पर वायगोस्की इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो लैंग्वेज आ जाती है, विचार तो उसके समाज में आकर ही बनते हैं, ठीक है। तो आगे जाकर भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो जीन पियाजे ने दिए, और उसके अंदर है स्कीमा। वर्तमान में जो ज्ञान किसी वस्तु का दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ है, बच्चे में जन्म से ही चार स्कीमा होते हैं। अब बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे स्कीमा क्या होता है। देखिए, आपके माइंड में पहले से ही कोई चीज बनी हुई है, सेट की हुई है, जिसे आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेली करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो हम ले सकते हैं, जैसे आप स्कूल जाते थे तो आपके टिफिन जो होता है उसमें आपको पता है कि नॉर्मली तीन खाने होते हैं, तो उसमें आपको पता है कि आपको जो भी मतलब वेजिटेबल है वो आपको किस में रखनी है, और आपको जो चपाती है वो किस में रखनी है, ठीक है। ये स्कीम आपके माइंड में पहले से ही बना हुआ है। उसके बाद उसमें और कोई नई चीज ऐड करते हैं वो अलग बात है, लेकिन स्कीमा वही है जो पहले से ही सेट है। तो देखिए, ये स्कीमा जो है वो बच्चों में, चार स्कीमा जो है वो पहले से ही होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसे कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, लेकिन उसके चार स्कीमा पहले से ही होते हैं। वो होते हैं चूसना, पकड़ना, देखना और पहुंचना। क्योंकि चूसने की प्रवृत्ति जो है वो उसे सिखाई नहीं जाती है, पकड़ना वो किसी भी चीज को पकड़ना चाहता है, देखने की प्रवृत्ति वो खुद ही देखता है, और हर चीज पर पहुंचने की कोशिश करता है। तो ये स्कीमा जो है वो उसके माइंड में पहले से ही बने हुए हैं, ये होता है स्कीम। अब देखिए, स्कीमा जो है वो एक मानसिक संरचना है, ठीक है, यानी पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ एक पॉकेट होती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है पहले से ही बनी होती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, या व्यवहार का एक पैटर्न। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, मान लीजिए कि आप किचन के एक जो बॉक्स होता है जिसमें मसाले होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। तो ये इनमें हमने बहुत सारे मसाले जो हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पर आपका हल्दी है, यहाँ चिली है, यहाँ पर आपने अजवाइन या फिर मेथी या फिर कुछ भी यहाँ आपने रखा हुआ है। तो ये आपका माइंड पहले से ही सेट है कि मुझे यहाँ पर ये चीज मिलेगी, ठीक है। आप इसको समझिए कि यहाँ पर आपको ये चीज मिलेगी, ये आपने पहले से ही सेट किया हुआ है। तो इसी तरीके से माइंड में स्कीमा जो है वो बने होते हैं। चलिए, तो आपके अगर क्वेश्चन आता है कि स्कीमा क्या है, तो स्कीमा एक मानसिक संरचना है, और यह जो कि पहले से ही वस्तु का दिमाग में, क्या जो ज्ञान है वो पहले से ही वस्तु का दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अडेप्टेशन, यानी अनुकूलन। पूर्व ज्ञान व नवीन अनुभव के बीच, अब अडेप्टेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो है एसिमिलेशन और एक है एकोमोडेशन, यानी कि आत्मसातीकरण और समायोजन। जब हमारा पुराना स्कीमा जो है, अगर उसमें कुछ हम नया ऐड कर देते हैं, उसे कहते हैं आत्मसातीकरण, यानी हमने उसको आत्मसात कर लिया, हमने कुछ नया ऐड कर लिया, हमने अपने जो भी मसाले का बॉक्स था उसमें हमने अगर कोई नई चीज ऐड कर ली है, तो हमने अपनी स्कीमा को बढ़ाया है, हमने अपने ज्ञान में कुछ ऐड किया है, उसे ही कहते हैं आत्मसातीकरण। नेक्स्ट है समायोजन, स्कीमा को अपने तरीके से मॉडिफाइड करना। अगर आपने स्कीमा में कोई चीज ऐड की है और फिर आपने उसको अपने तरीके से मॉडिफाइड कर लिया है, तो हो जाता है आपका समायोजन, ठीक है, और आपका क्या बैठ जाता है, संतुलन। और अगर यदि आपका समायोजन नहीं बैठ पाता है पुराने स्कीमा का नए स्कीमा से, जो भी आपने ऐड किया है, तो वो हो जाता है आपका असंतुलन, ठीक है। इसके बाद देखिए संतुलन, ये पुराने इंफॉर्मेशन और नए इंफॉर्मेशन का बैलेंस।
उसके बाद है असंतुलन। देखिए जब बैलेंस ना बैठ पाए तो क्या हुआ, असंतुलन। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपने जो एक छोटा बच्चा है उसने क्या डॉग देखा, उसके चार लेग होते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि उसने डॉग देखा, उसके चार लेग होते हैं। तो अब उसे बताया गया कि ये डॉग है। अब वो कोई भी अगर चार लेग वाला जो भी जानवर देखता है तो उसको क्या बोलता है, जैसे कि बिल्ली या अन्य जानवर को देखा तो डॉग की तरह ही समझा, उसको भी वह डॉग बोल रहा है। लेकिन रंग रूप में चेंज होने से असंतुलन, स्कीमा में क्या हुआ, असंतुलन, क्योंकि उसने देखा कि डॉग तो इस टाइप का दिखता है लेकिन जो कैट है वो इस टाइप की नहीं दिख रही है, लेकिन चार पैर उसके भी हैं और चार पैर इसके भी हैं। तो अब क्या किया उसने, अपनी स्कीमा में न्यू ऐड किया कि ये बिल्ली है और परिवर्तन किया, और फिर क्या किया, समायोजन बैठाया, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं, कोई भी एक बच्चा होता है तो उसको अगर हम कोई जानवर दिखाते हैं, उसको बताते हैं कि ये एक डॉग है, तो उसने उसको देखा और उसने समझ लिया और अपने स्कीमा में उसने ऐड कर लिया। अब वो हर जगह जब भी चार लेग का जानवर देखता है छोटा सा तो वो ये कहता है कि ये तो डॉग है, लेकिन अगर किसी ने हमें बताया कि नहीं बेटा ये डॉग नहीं है ये तो बिल्ली है, तब उसके स्कीमा में थोड़ी सी हलचल हुई, नहीं मैंने पहले तो चार लेग का ही देखा था और ये भी तो चार लेग का है, ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जब उसे समझ में आया कि इसका कलर उसके कलर में चेंज है, तो उसने अपने नए स्कीमा में, तो उसने अपने पुराने स्कीमा में नई चीज ऐड की और क्या किया, संतुलन बिठाया और समायोजन बिठाया, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको इसी तरीके से समझनी होगी, ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने चार फैक्टर बताए, कौन कौन से। एक तो मैच्यूरेशन यानी परिपक्वता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझ बढ़ती है, इसका अर्थ यह होता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, ये कुछ शब्द हैं जिनके केवल अर्थ जानने जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अनुभव, जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस होता जाता है, अनुभव बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन, जिनकी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन क्रिया। देखिए केवल चार चीजें याद रखनी है कि जीन प्याजे ने चार फैक्टर बताए हैं, परिपक्वता, अनुभव, संतुलन और सामाजिक अन्योन क्रिया। क्योंकि देखिए जब हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अन्योन क्रिया की बात करते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने भी की है। तो वहां ऑप्शन में अगर आता है कि सामाजिक अन्योन क्रिया की बात नहीं करते हैं जीन पियाजे, तो वहां आपका गलत होगा, क्योंकि सामाजिक अन्योन क्रिया की बात तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी कम करते हैं जीन पियाजे वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन फैक्टर में उन्होंने इसे शामिल किया है, ये आपको याद रखना है। अब जीन पियाजे का जो विकास का सिद्धांत है उसमें ये बताते हैं कि जो भी स्टेजेस होती है वो डिसकॉन्टिन्यूज होती हैं, यानी कि लगातार नहीं होती हैं, वो एक एज पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। स्टेजेस में होता है जो भी विकास होता है वो स्टेजेस में होता है, ये याद रखना है। देखो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, अब इसकी स्टेजेस जो है वो चार बताई हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता ही है। तो इन्होंने उम्र को ध्यान में रखकर स्टेजेस बताई, इसीलिए इन्होंने कहा कि यह है लगातार नहीं होता है। फर्स्ट देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। अब इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको पता होने चाहिए कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, यह 0 से 2 वर्ष तक की होती है। 0 यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, यहाँ 0 का अर्थ जन्म से लगाना है, जन्म से 2 वर्ष तक। यहाँ पर समस्त क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से होती हैं, इंद्रियों के माध्यम यानी कि आंख और हाथ, यानी बच्चा जो है वो इन जो इंद्रियां हैं आपकी आंख नाक इनसे ही महसूस करता है और इन्हीं से सारी क्रियाएं सारी एक्टिविटी करता है। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है उसमें बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, यानी किसी भी वस्तु पर निगाह टिकने लगती है। ये कौन सी अवस्था है, फर्स्ट अवस्था है, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये कौन सी अवस्था है, फर्स्ट, यानी 2 वर्ष तक के बच्चे का जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर निगाह करने की प्रवृत्ति आ जाती है, वो निगाह जो है उसकी टिकने लगती है।
उसके बाद है इमिटेशन। वो कुछ भी देखता है बड़ों को तो उसी की तरीके से वो नकल करता है, खुद का कुछ नहीं करता है, जैसा वो देखता है वैसा ही वो करता है, यानी अनुकरण करने की क्रिया वो भी फर्स्ट स्टेज में आती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। गोल ओरिएंटेड, अब इसका अर्थ यह है कि अगर उसके सामने कोई वस्तु पड़ी है तो वो उस तक पहुंचना चाहता है, चाहे उसके लिए वह ये नहीं देखता है कि उससे वह गिर सकता है या कुछ, उसने अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि मुझे उस चीज को पकड़नी है, तो उसके लिए वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर कोई भाषा नहीं होती है, कोई थॉट नहीं होती है, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष तक नो लैंग्वेज नो थॉट, 18 मंथ से पहले 2 वर्ड मिलाकर बोलना सीख जाता है, ठीक है। अब जब वो 18 मंथ का हो जाता है तब वो केवल 2 वर्ड को मिलाकर ही बोलता है, लेकिन फिर यहाँ पर विचार जो है वो जन्म नहीं लेते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब हमने फर्स्ट स्टेज क्या पढ़ी, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट हमने देखी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, यह 2 से 7 वर्ष तक की मानी जाती है। इसमें बिना लॉजिक के रीजन होते हैं, बच्चा जो है क्वेश्चन करता है, बहुत सारे लॉजिक जो है लेकर आता है लेकिन उसका कोई भी रीजन नहीं होता है। उसके बाद है कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो आ जाती है, ध्यान केंद्रित प्रवृत्ति। उसके बाद है सिंबॉलिक थॉट, अब पहले उसके पास कोई थॉट नहीं थी, कोई विचार नहीं थे, लेकिन अब वो किसी चीज को देखकर, कोई भी उसके सामने सिंबल हो उसको देखकर सोचने लगता है। एनिमिज्म यानी जीववाद, इसका अर्थ यह होता है कि अगर उसके सामने कोई चीज पड़ी हो और उसने उसको चोट पहुंचाई हो तो उसकी उसके जो बड़े होते हैं वो उसी चीज को मारते हैं और उसको बताते हैं कि अब आपको इसने मारा इसलिए इसको मार दिया, अब आप शांत हो जाओ। यानी किसी भी निर्जीव चीज में वो जान देखता है, वो देखता है कि इसमें जो है कुछ चीज है जिंदा, यानी इसने इससे मेरा जो बदला है वो पूरा हो गया, इसने मुझे चोट पहुंचाई तो मेरी माँ ने उसको मार दिया तो मेरा बदला जो है वो पूरा हो गया और वो संतुष्ट हो जाता है। यानी किसी निर्जीव चीज में वो जीव की जो भावना है वो देखता है कि इसमें जीव है। नेक्स्ट है ईगो सेंट्रिक यानी अहम अहम अन्यता, तो ईगो सेंट्रिक यानी अहम केंद्रित। तो जीन प्याजे जो है वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है, खुद ही अपने आप में बातें करता है जो कि किसी काम की नहीं होती, और यह कब आती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आती है। तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है आपसे कि एक तो पूछा जाता है फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, इनकी जो एज है वो ध्यान में रखनी है कि जन्म से 2 वर्ष तक हमने फर्स्ट स्टेज देखी, 2 से 7 वर्ष तक देखी, फिर हम 7 से 11 देखेंगे और उसके बाद 11 से अबव देखेंगे। तो 4 स्टेज हैं, इनको ध्यान से देखना है। और एनिमिज्म जो है वो कौन सी अवस्था में आता है, तो सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, या कंसंट्रेशन जो है वो कौन सी अवस्था में आता है, वह भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। तो ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है ई रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटवार नहीं। अब बच्चा जो है वह यह नहीं जान पाता है, मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो जार में मान लीजिए पानी है, एक जो है वह लंबा है और एक है चौड़ा, ठीक है। पानी हमने एक एक ग्लास दोनों में डाला है, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि जो लंबा वाला जार है उसमें ज्यादा पानी है, चौड़े वाले में कम है, क्योंकि उसके अंदर ये पलटवार करने की स्थिति नहीं आई है। वो ये नहीं जान पा रहा है कि पानी तो उतना ही है लेकिन जार जो है वह चेंज है, ठीक है। तो वह ये चीज समझ नहीं पाता, इसकी वजह से क्या कंजर्वेशन नहीं आ पाता, यानी उसके अंदर पलटवार की स्थिति नहीं है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति के माध्यम से बोलना, तो वह क्या करता है, वह अभिव्यक्त करता है अपनी बातों को, उसके माध्यम से ही वह सामने वाले को अपनी बात को समझाता है। तो देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने देखा बच्चे के अंदर कंजर्वेशन, एनिमिज्म, ईगो सेंट्रिक, ई रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का अर्थ होता है यानी जो चीज दिखाई दे, यह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में होता है। इसमें बच्चा जो है वो मूर्त वस्तुओं को देखकर वर्गीकरण करता है यानी क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, जो भी चीजें उसको दिखाई दे रही होती हैं उनको वो काउंटिंग करने लग जाता है, उनको वो बिल्कुल जैसे कि
छोटी चीज रख रहा है, उसके बाद बड़ी रख रहा है, फिर उससे बड़ी रख रहा है, ये चीज करना वो है वो सीख जाता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, वस्तु का वेट शेप, वहां पर हमने देखा सेकेंड स्टेज में कि कंजर्वेशन नहीं आ पाता है, वह नहीं समझ पाता है वेट और शेप के बारे में, इसीलिए वह उसके अंदर पलटवार की स्थिति भी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर उसको आ जाती है। अब वह समझ जाता है कि वस्तु का वेट जो है उसको समझने लगता है, उसकी शेप को समझने लगता है, वह पता उसको लग जाता है कि वो जो दो जार थे उनमें पानी जो है वो सेम था, मतलब बिल्कुल एक गिलास ही उसमें डाला गया था, और वेट और शेप जो है वो शेप जो है वो अलग हो चुकी है बस। ठीक है, तो ये चीज है वो यहाँ पर समझने लगता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन ईगो सेंट्रिक, अब उसमें जो ईगो सेंट्रिक थी, अहम केंद्रित था, वह उसमें कमी आने लग जाती है। अब देखिए ईगो सेंट्रिक का अर्थ यह नहीं लगाना है कि बच्चा जो है वो घमंडी होता है, यहाँ पर घमंडी से मतलब नहीं है, बच्चे जो है वो इसी टाइप के होते हैं कि वो खुद अपने आप को बोल रहे होते हैं, वो खुद ही अपने मन मन में बड़बड़ा रहे होते हैं, जिसको वाइगोत्स्की कहते हैं कि वह खुद को दिशा दे रहे हैं। ठीक है, जिसे उन्होंने साइलेंट इनर स्पीच कहा है, उसी को जीन प्याजे इगोसेंट्रिक कहते हैं, यहाँ पर घमंड से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज, ये स्कूल एज होती है, ये तो हम पहले जान ही चुके हैं कि ये बाल्यावस्था की स्थिति है, जहां वह स्कूल एज है, समूह बनाता है, गैंग एज होती है, अब उसके अंदर पलटवार की स्थिति आ जाती है, क्योंकि अब उसने जान लिया है संरक्षण करना, यानी कि वस्तु का वेट शेप उसको समझ में आ गई है, तो अब उसके अंदर पलटवार की स्थिति भी आ जाती है। नेक्स्ट है इंडक्टिव टू डिडक्टिव, यानी कि आगमन से निगमन की तरफ। ठीक है, आगमन हम जानते हैं, हम शिक्षण विधियों में भी पढ़ते हैं, आगमन यानी कि जब वह इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाने लगता है। ट्रांजिटिविटी यानी कि उसको पता है कि ए से बी, यहाँ पर अगर उसको ये सिंबल दे दिए जाते हैं तो वो पता लगा लेता है देखते ही कि बी से ए बड़ा है, या बी जो है वो है ए से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रेशन टू डिसेंट्रेशन। ठीक है, चलिए ये हमने स्टेज देखी, उसके बाद ये इस स्टेज में आपको हर एक पॉइंट जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान देने हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो आप शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इनकी एज को ध्यान में रखकर सोचिए कि क्या बालक इस चीज को कर सकता है, और जीन पियाजे की थ्योरी में आपको विशेष तौर पे हर पॉइंट जो है वो ध्यान भी रखने हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसे औपचारिक संक्रिय अवस्था भी कहते हैं या अमूर्त संक्रिय अवस्था भी कहते हैं, जो कि 11 से या अवव या 11 से 13 वर्ष की जीन पियाजे ने बताई है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त वस्तु के बारे में चिंतन करता है, यानी अब उसके पास कुछ वस्तुएं नहीं है फिर भी उनके बारे में वो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, विचार चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट है इमेजिनरी थॉट, ठीक है, वही काल्पनिक जो सोच है वो उसकी अब डेवलप हो जाती है। तर्क वितर्क की शक्ति, अब वो तर्क वितर्क भी करने लगता है। हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की शक्ति, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्यूशन करने की शक्ति आ जाती है। कौन सी स्टेज में आती है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक सक्रिय अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि कोई भी अमूर्त वस्तु है उसके बारे में चिंतन कब करता है बच्चा, तो वो किस स्टेज में आती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग? तो वो आपकी आती है फोर्थ स्टेज में, लेकिन थर्ड स्टेज में मूर्त यानी कोई चीज दिखाई दे रही है उनके बारे में बच्चे ने सोचा था। तो आज हमने जीन पियाजे की थ्योरी को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से समझा है, क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सभी पॉइंट जो हैं वो ऐड कर लिए हैं, ये कंप्लीट जीन पियाजे की थ्योरी है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।